फ्रेंड्स, अपने शॉर्ट रनवे को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले पटना एयरपोर्ट से अब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए खास सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विशेष काउंटर बनाया गया है, जहां से मरीज एयर एम्बुलेंस का लाभ उठा सकेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर भी ऐसा काउंटर नहीं है, जहां से मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस बुक कराई जा सके। आपको बता दें कि देश में पहली बार पटना एयरपोर्ट पर बना इस तरह का काउंटर यह देश का पहला काउंटर है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति इस काउंटर से आसानी से एयर एम्बुलेंस की बुकिंग कर सकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुकिंग के 5 घंटे के अंदर मरीज को डेस्टिनेशन सिटी के हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंचाने की गारंटी भी दी जा रही है। और खास बात यह है कि इसका फेयर भी मार्केट रेट से कम है। हम आपको इस एयर एम्बुलेंस के बारे में बता देते हैं। यह एयर एम्बुलेंस एक छोटा प्लेन होता है, जिसमें बेहद खास उपकरण, दवा और एक ट्रेन टीम होती है। इसका इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बिहार में एयर एम्बुलेंस की इतनी अधिक डिमांड है कि एक बिजनेसमैन ने एयरपोर्ट पर इस सर्विस की पेशकश करने का फैसला किया। जो कंपनी इस काउंटर को चला रही है, उसके मालिक का नाम अंशु अमन है। और जानकारी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस में रोगी के साथ उसके 2 परिवार वाले भी सवार हो सकेंगे। उनके साथ एक एक पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर भी रहेंगे। रोगी को 6 सीटर प्लेन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत किसी भी बड़े शहर के अस्पताल तक पहुँचाया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप देश में बने पहली बार पटना एयरपोर्ट पर इस एयर एम्बुलेंस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और ये जानकारी सुनकर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दें।